नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के निसरपुर में डूब प्रभावितों ने निकाली बाइक रैली। 9 दिनों से अनशन पर बैठी है मेगा पाटकर। तबियत में गिरावट के कारण लोगों ने आर पार का लड़ाई का मन बना लिया है। लगातार जल वृद्धि हो रही है। वाटर लेवल 134.500 मीटर तक पहुंच गया है और सबसे बड़े गांव निसरपुर को टापू बना दिया है। 12,000 लोगों की आबादी वाले गांव में कई लोग मुआवजा राशि से अभी भी वंचित है। निसरपुर को जोड़ने वाला पुल कोटेश्वर फाटे का पुल जलमग्न हो चुका है। डूब से बाहर किए लोगों का संपर्क टूट चुका है। इसी के चलते सांकेतिक बाइक रैली निकाली गई। बताया जा रहा है कि बिजली काटने की अटकलें भी चल रही है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर।